आप भी हमारे मंच के सामने आएंगे। कैप्टन महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका नाम, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। विश्वजीत हेमरम। विश्वजीत हेमरम जी, आपने बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल आज खेला, और जहां तक हमने मैच देखा है, जो कि खेल के दौरान गोल नहीं हुआ और पेनल्टी के दौरान गोलकीपर का अहम भूमिका निभाते हुए अपनी टीम को जीत तक लेकर गए हैं, तो इसके लिए आपको क्या अभी महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा युवक संघ खैरपाल को, जो इतने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन रखा है, और साथ ही मेरे टीम को भी, जिन्होंने आज पूरी मेहनत की टीम को आज फाइनल सेमीफाइनल सफर करने के लिए। बिल्कुल, आपकी टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन हमने मैच देख रहा था, तो मैच देखे और सारे दर्शकों की भी हमने स्टेटस लिए, तो इस स्टेटस में ये बताई गई है कि खेल के दौरान बेनाम बासक की टीम हो भी थी और गोल दागने का ज्यादा प्रयास, ज्यादा आक्रमण उन्होंने किया था। अलग बात है मैच आपने जीती है, लेकिन उनका खेल दर्शक लोग ज्यादा पसंद किए, लेकिन फिर भी आपकी टीम ने जीत दर्ज की, इसके बारे में क्या कहिएगा? दरअसल हम लोग पहले से जान चुके थे कि हमारे अगेंस्ट टीम जो है हमसे अच्छी खेल का परफॉर्मेंस करती है, उसी आधार पर हम लोग रणनीति लेकर आए थे कि इसको आगे तक पहुंचाना है, ये अगर गोल नहीं कर पाते हैं तो पेनल्टी तक सफर करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी रणनीति बहुत अच्छी थी, गोल दाग ना पाए तो गोल खाए भी नहीं, पेनल्टी तक कम से कम लेके जाना है, देखा जाएगा पेनल्टी में, यही आपकी रणनीति थी। बिल्कुल बहुत सही। और आपकी टीम में कौन ऐसा खिलाड़ी का नाम लेंगे जो कि बेहतरीन आज इस खैरपाल ग्राउंड में परफॉर्मेंस दी है? हमारे टीम में से सभी टीम प्लेयर ने आज अच्छा खेला है, तो वैसे मैं किसी एक को तो नहीं चुन सकता हूँ, सभी टीमों ने, सभी प्लेयरों ने अच्छा खेला। बिल्कुल, और आपको शुभकामनाएं, बढ़िया खेलिए, और सेमीफाइनल राउंड तक आपने पहुंची है, और फाइनल राउंड तक पहुंचने के लिए हमारी शुभकामनाएं रहेगा आपके साथ। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आज आपको पुरस्कार तो मिलेगा नहीं, वो मिलेगा सिर्फ 6 तारीख को आपको पुरस्कार मिलेगा, तो एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस युवक संघ खैरपाल कमेटी और यहाँ का ग्राउंड और यहाँ का दर्शक, किस तरह से आपको लगा, क्या उनके बारे में आपको क्या कहना है? जन कमेटी युवक संघ खैरपाल इनको जो सजावट तक ने बनिए के तेकने कम जो दर्शक को तेकने इनको मैत्रिया मजा को डी तेकने तो जो इनकन मन रेफरी को इनको बनिए को तेकने सबन मैदान बनिए के तेकने पल मन से तो बनी ना गिमना ने साल दो जोर। बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाले समय में इसी तरह से खेलते रहिए, यानी कि 6 तारीख को बेटर परफॉर्मेंस कीजिए और फाइनल राउंड तक जाने की हम शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।